जैसे जैसे 2021 की विदाई का नज़दीक सामने आ रहा है, दिसंबर पार होते जा रहा है, कुछ दिनों का समय बचा हुआ है नए वर्ष 2022 के आगमन का। इसी क्रम में द्वारस और उत्तर बंगाल के इलाकों में पिकनिक का सिलसिला जारी हो गया है। लोग नए साल के आगमन और 2021 के विदाई को लेकर अभी से वनभोज की तैयारियां शुरू कर दी है। जगह जगह वनभोज देखा जा सकता है। आज इसी क्रम में दार्जिलिंग जिले के एमएम तराई इलाके में पिकनिक स्पॉट पर शानदार पिकनिक का आयोजन देखा गया। देखते रहिए एनआई द्वारस न्यूज और देखिए आगे का खबर। द्वारस न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार है, सलाम है, सत श्री अकाल है। आज हम लोग पहुँचे हैं दार्जिलिंग जिले से सटे हुए एमएम तराई पिकनिक स्पॉट पे। ये सामने जो आप ऊंचाई पे देख रहे हैं गगनचुंबी पहाड़, जिसको बोलते हैं करस्यांग और मृग, इस आसपास में है दार्जिलिंग है। और यहाँ पे आज कई हमारे बिहार से लेकर मृग और दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी इलाके के बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ पिकनिक पे आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ शानदार पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारे परम मित्र हैं, थोड़ा सा आगे आइए। यहाँ हमारे परम मित्र हैं गोवर्धन जी, जो अभी यहाँ शानदार जो है सब्जी बना रहे हैं। यहाँ पर ये चखना बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप गोवर्धन जी से बात करेंगे। गोवर्धन जी, कैसा अनुभूति हो रहा है यहाँ पर? आप लोग से, आप लोग के साथ में मिलके एक साथ में जो पिकनिक, थोड़ा कैमरे की तरफ ध्यान देकर बोलिए। नहीं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, इतने साल बाद हम लोग सबको एक साथ में मिले। अब देखिए, ये वाजपेयी जी की तरह छोटे कद के हैं, लेकिन ये ज्ञान वाजपेयी जी से कम नहीं रखते हैं, कई भाषा के जानकार हैं। तो जॉनी जी, ये जगह के बारे में बताइए और यहाँ की विशेषता क्या है? सर, यहाँ की विशेषता है कि खुला जंगल है, सामने पहाड़ है, नदी है, माने हर खूबसूरती का संगम से बना हुआ जगह है सर। ये प्रकृति से घिरा हुआ जगह है जहाँ पे आप आनंद ले सकते हैं। भीड़ भाड़ के जो शहर में रहते हैं वो लोग जब इधर आते हैं तो वहाँ पे उनको अच्छा लगता है, यहाँ पे घूम के और पिकनिक खेल के एक पार्टी करेंगे तो अच्छा लगेगा सर। तो ये इस आज वनभोज का जो आयोजन हुआ है, इसमें कहाँ कहाँ के लोग शामिल हुए हैं? बिहार से भी लोग हैं, कौन कौन लोग हैं? कुछ लोगों का नाम बताइए जो हमारे प्रिय मित्रों में से हैं। हमारे डुअर से है हमारे अर्जुन सर है, और आप स्वयं है हमारे रमन कुमार झा सर से, और हमारे मिरिक से है हमारे कालीकोटे सर, हमारे पटना से है जयप्रकाश सर, और बिहार से है, कलकत्ता से है, बहुत सारी जगह से है सर, दो तीन स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं सब लोग। तो ये आज पिकनिक का नज़ारा जो देख रहे हैं हम लोग, हमारा एक भाई है जो पटना से आए हुए हैं, वो अपना चैनल भी चलाते हैं, उनका नाम है जयप्रकाश तिवारी। जयप्रकाश जी से हम बोलेंगे। आप पहली बार इस इलाके में आए हैं, दार्जिलिंग के इलाके में, कैसा महसूस हो रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहें कि भारत के सबसे खूबसूरत जगहों में, उसमें अगर हमसे पूछा जाएगा, हमसे अगर जाना जाएगा, तो मैं इस जगह का जिक्र अवश्य करूंगा। ये मैं यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यह दार्जिलिंग जिले का ये एमएम तराई नाम का ये जगह है, जहाँ ये पिकनिक स्पॉट इसको कह सकते हैं। हालांकि ये पूरा देख सकते हैं कि सामने जो है पहाड़ की खूबसूरत वादियों में आप हैं, और हम लोग यहाँ भव्य आयोजन कर रहे हैं, इसको लेकर के काफ़ी खुशी है। और हम ये कहें कि ये एक ऐतिहासिक पार्टी हो रही है तो अतिशयोक्ति नहीं है, इसलिए कि एक साथ कम से कम 10 से 12 राज्यों के मित्र एक साथ इकट्ठा हुए हैं, और सारे लोग अपने से देखिए कि अपना अपना मेनू पे लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपने इस चैनल के एनआई द्वारस न्यूज के प्रमुख संपादक श्री रमन झा जी, जो यहाँ के वरिष्ठ संवाददाता हैं, कई अखबार का इन्होंने सफल नेतृत्व किया है, कई अखबारों में इन्होंने अपने लेखनी के दम पे जाने जाते हैं, यहाँ के चर्चित एक संवाददाता हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं। तो ये यहाँ आया और इनसे मिल के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी मैं अपने आप को अभिभूत हूँ इस पार्टी से, इस जगह से, यहाँ के लोगों से। धन्यवाद फिर से एक बार एनआई द्वारस चैनल के, चैनल को भी, तमाम दर्शकों को भी, और इनके प्रमुख संपादक हमारे बड़े भाई रमन झा जी को धन्यवाद। हमारे कैमरामैन, हमारे साथ साथ वरिष्ठ कैमरामैन सूरज कालीकोटे साहब हैं, जो दार्जिलिंग से चल के आए हैं, और इनकी बेहतरीन कैमरा वीडियोग्राफी जो है ये भी आप लोग देखेंगे और इस वीडियो में, इस खबर में। धन्यवाद।
तो यहाँ पर एक हमारे मोतिहारी ज़िले के, बिहार के मोतिहारी ज़िले के एक कवि आए हुए हैं। मैं थोड़ा सा बोलूँगा हमारे सूरज कालीकोटे महोदय को, कैमरामैन जी को, कि थोड़ा आगे आए। इनके लिए एक प्राकृतिक चेयर का भी व्यवस्था यहाँ पे है, ये देख सकते हैं, ये प्राकृतिक कुर्सी है, इस पर बैठेंगे हम लोग। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये कहावत है। ये पहली बार मोतिहारी से, बिहार से चल के इस इलाके में आए हैं और अपने अनुभव के बारे में बताएंगे। आज पहली बार इस प्राकृतिक के गोद में आपका पूरा नॉर्थ बंगाल आपको स्वागत करता है, आप दार्जिलिंग के इस जगह पे जिसका एमएम तराई पिकनिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है। क्या कहना चाहेंगे अपने कवि के शब्दों में? जी जी नमस्कार। सबसे पहले कम शब्दों में, मैं कवि बिहारी अविनाश तिवारी मोतिहारी से, जैसे इन्होंने बताया। आज इन सभी लोगों के साथ यहाँ आकर के जो मैं महसूस कर रहा हूँ, इन्हें शब्दों में पिरोने की क्षमता तो मेरे पास भी नहीं है, फिर भी कुछ कोशिश करके आपके बीच समर्पित करता हूँ। शब्दों को पिरोया हूँ इस माहौल, इस स्थिति, इस अवसर को देख करके, इसलिए शब्द समर्पित करता हूँ। सफर सफर आज पहुँची प्रकृति की वादी में, वाह वाह। सफर आज पहुंची प्रकृति की वादी में, कभी कभी अवसर मिलता है ऐसा जीने की आज़ादी में। सफर आज पहुंची प्रकृति की वादी में, कभी कभी अवसर मिलता है ऐसा जीने की आज़ादी में। एक तरफ देख सकते हैं, एक तरफ पहाड़ों की गगनचुंबी ऊंचाई, एक तरफ पहाड़ों की गगनचुंबी ऊंचाई, दिखाइए पहाड़, तो दूसरे तरफ बह रही गहरी खाई। एक तरफ पहाड़ों की गगनचुंबी ऊंचाई, तो दूसरे तरफ बह रही गहरी खाई। प्रकृति की ये अद्भुत नज़ारा, प्रकृति की ये अद्भुत नज़ारा, और साथ में है मेरे भाई। तो प्रकृति की ये अद्भुत नज़ारा और साथ में है मेरे भाई, कुछ साथ में है मेरे भाई। सब नाच ऐसे रहे हैं, सब नाच ऐसे रहे हैं जैसे आए हो शादी में, कभी कभी अवसर मिलता है जीने की आज़ादी में। हम आ पहुंचे हैं सफर लेकर प्रकृति की वादी में, कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। वाह वाह बहुत अच्छा। वर्ष 21 बीत रही है, वर्ष 21 बीत रही दार्जिलिंग की क्यारी में, वर्ष 21 बीत रही दार्जिलिंग की क्यारी में, सारे मित्र लगे हैं वनभोज की तैयारी में। वाह 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 वाह। वर्ष 21 बीत रही दार्जिलिंग की क्यारी में, सारे मित्र लगे हैं वनभोज की तैयारी में। सब ऐसे जी रहे हैं जैसे, सब ऐसे जी रहे हैं जैसे कुछ लोग जीते हैं खादी में, कभी कभी अवसर मिलता है ऐसा जीने की आज़ादी में। मैं बिहारी पहुंच चुका हूं प्रकृति की वादी में, बस इतना ही कहूंगा। वाह 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 वाह, हर हर महादेव, आप कमाल कर दिए। लोकल हैं, हाँ। और इस जगह पे बराबर आते हैं, आज हम लोगों को आप लोगों ने लेकर आया है, कैसा महसूस हो रहा है आज और क्या कहना चाहते हैं? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग आके, आप लोगों को खुशी हो रही है, इससे भी हमारी खुशी बढ़ रही है। हाँ, और ये तो जगह इतना अच्छा जगह है, पहाड़ पहाड़ के वादियों में नीचे नदी बह रही है, झरना बह रहे हैं, सब लोग, हम लोग आए हैं इंजॉय करने के लिए, आप लोग आए, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को घुमाने का मौका मिला हमको। ठीक है सर, फुल आनंद का मज़ा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत। एमएम तराई ये दार्जिलिंग के पास में, सामने कर्स्यांग की पहाड़ी चोटी दिख रही है आपको, और यहाँ से एक झरना बह रही है। यहाँ पे हमारे जय गांव द्वार के जाने माने समाज सेवी अजय कुमार झा आए हुए हैं, वनभोज का आयोजन किया गया था, इसमें कम से कम 10-12 भारत के स्टेट के हमारे मित्र लोग आए हुए हैं, अभी इनसे बात करेंगे। अजय जी, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? सर बहुत 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 बढ़िया, यहाँ का जो मतलब प्राकृतिक दृश्य है काफ़ी प्रशंसनीय है, बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही जितने लोग आए हुए हैं सभी काफ़ी मिलनसार है, और सभी के साथ जो यह वनभोज का जो आयोजन किया गया, इसमें जो मुझे सौभाग्य मिला इसमें शामिल होने का, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आशा करते हैं कि हम लोगों का जो मिलना जुलना इसी तरह से रहेगा, और निकट भविष्य में हम लोग जो जिस कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं वह कार्य भी सफल होगा। 2021 की समाप्ति हो रही है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना का नया वायरस भी आ रहा है, सतर्कता के साथ वन भोज को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 2019 तो ऐसे ही चला गया, 20 भी ऐसे ही गया, 21 का जो परिस्थिति है वो भी लगभग अब जाने वाली है, अब 2-4-6 दिन का मेहमान है,
आने वाला जो समय है सभी को 2022 का पहले अग्रिम शुभकामना देना चाहूँगा और सभी से यही आग्रह करूँगा कि सभी लोग सुरक्षित रहे और जो कोरोना का जो अभी जो वायरस जो नया रूप में ओमिक्रॉन के नाम से जो आ रहा है इससे बचाव रखें और जो भी कुछ करें वनभोज हो या फिर जो भी कोई प्रोग्राम हो कुछ भी हो उसमें इस तरह से मतलब रहे कि निकट भविष्य में उन्हें कि जो ओमिक्रॉन का जो खतरा है उससे बचे हुए रहे। तो हमारे द्वारस इलाके से भी एक हमारे परम मित्र पहुंचे हुए हैं यहाँ, काफ़ी समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं अर्जुन चौधरी जी। आज अर्जुन चौधरी जी कैसा लग रहा है, आपके कारण हम लोग यहाँ पर आए आज इस पिकनिक में। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और आने वाला 2022 का आगाज हो चुका है। आज हम लोग दार्जिलिंग जिला अंतर्गत एमएम तराई में पहुँचे हैं और बहुत खुशी लग रहा है। काफ़ी मित्र आए हुए हैं, डुअर से भी आए, तराई से भी आए, बिहार से भी आए और सभी को नव वर्ष को मैं शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे लग रहा है आपको? यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, ये बड़ा मज़ेदार है, सुहावना है, अच्छा है, चारों तरफ नज़ारा है, दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत जगह। ये आपका बागडोरा से 10 किलोमीटर पीछे आगे आता है, ठीक है, जिसका नाम है एमएम तराई। और यहाँ पे आपका जितने भी नॉर्थ बंगाल के लोग हैं बाहर बाहर से जो आते हैं सब यहाँ पे आते हैं पिकनिक स्पॉट पे, पिकनिक करते हैं, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इंजॉयमेंट करते हैं और सभी यहाँ पे आके दिल खुश कर लेते हैं और अपना जितने भी परेशानी है, टेंशन है, सारे चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे सभी इंजॉयमेंट करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक भाई हमारे गैंगटॉक से आए हैं, सिक्किम से, सिक्किम राजी जी, रमेश छत्री जी, काफ़ी स्मार्ट हैं आप, और क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम ये भारत विविधताओं का देश है, इस देश में हम सारे अलग अलग राज्य से आए हैं, सब मिले हैं। ये 2021 को हम अलविदा कर रहे हैं ताकि 2022 को हम अच्छी तरह से वेलकम करें और ये जो अभी जो नया वेरिएंट आया है उसके बारे में कुछ सतर्कता बढ़े। तो इन्होंने कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है उससे भी लोगों को सतर्क रहने का संदेश दिए हैं। रमेश जी खुद ही एक प्राकृतिक सौंदर्य वाला राज्य में रहते हैं जिसका नाम है सिक्किम, गैंगटॉक शहर से हैं। गैंगटॉक भी काफ़ी सुंदर जगह है और इस माहौल में थोड़ा सा ये पहाड़ों से अलग, सामने पहाड़, जंगल, नदी, ऐसा महसूस आप लोगों को सिक्किम से जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा महसूस होता है क्योंकि सिक्किम थोड़ी बहुत ठंडी है, यहाँ पे हम गर्मी का एहसास करते हैं। हमारे बागडोगरा के एक हमारे परम मित्र हैं राजकुमार शाहनी जी, जो यहाँ पर आज इस पिकनिक स्पॉट में एमएम तराई में ये भी आए हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में आप लोग? तो यही के हैं, ये पिकनिक स्पॉट बहुत ही अच्छा है, आप लोग आए हैं इंटरटेनमेंट कीजिए और देन आफ्टर यदि आप लोग यदि 31 दिसंबर के बाद आते हैं तो और ही मज़ा मिलता है। ये मौका ईश्वर की कृपा से फिर आएगी और कहावत है कि देखिए जब मौका मिलता है एक साथ जितने लोग होते हैं हम दोबारा नहीं मिल पाते हैं, अलग अलग मौके पर लोग चले जाते हैं, लेकिन ये वादा आपको करना होगा कि नए साल में फिर इस दार्जिलिंग तराई द्वारस इलाके में आपको आना है और एक शानदार हम लोग कवरेज करेंगे, यहाँ के लोग कैसे जीते हैं और पिकनिक वगैरह को कैसे मनाते हैं, आपको एक वादा करता हूं। बिल्कुल, मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ तो हमारी दिली ख्वाहिश रहेगी कि इस इतनी शानदार जगह पर और इस प्रकृति के गोद में मैं एक बार नहीं मैं बार बार आऊँ तो मेरा भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि जिंदगी जीने का एक शानदार जो तरीका है आज हम लोगों ने व्यतीत किया। धन्यवाद। दोस्तों द्वारस न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। मैं रमन कुमार झा एमएम तराई दार्जिलिंग के नजदीक बैंगडूबी के आसपास इस पिकनिक स्पॉट से आप सबका अभिनंदन करता हूं। Thank you.
बंदे बंदे।